अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज काइज़न अकेडमी कन्नड़ा फिफ्थ क्लास है। इससे पहले की क्लास में कन्नड़ा वर्णमाले के ताल्लुक से और कागुणिता के ताल्लुक से कंप्लीट आपको समझ में आकर है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वत्तक्षरगळु, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये लास्ट है, ये समझ गए तो पूरा कंप्लीट पढ़ना और लिखना कंप्लीट आपको आ जाएगा। अगर डिक्टेट करेंगे हम लोग तो आप लिखेंगे या कुछ भी बताएंगे तो पढ़ सकेंगे आप। सबसे पहले कन्नड़ा वर्णमाले किस तरह प्रोनाउंस करना बहुत अहम है, लिखना भी लेटर्स को किस तरह लिखना वो भी बहुत अहम है। उसके बाद नेक्स्ट कागुणता का कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टॉपिक वत्तक्षरगळु। आपको मालूम रहेगा वत्तक्षरगळु सिर्फ व्यंजना को डाला जाता है। व्यंजन आपको मालूम है फ्रॉम का टू ला। वत्तक्षर लिखकर बताता हूँ, ये का लेटर है, ए इसका वत्तक्षर है। नेक्स्ट खा लेटर है, इसका यह वत्तक्षर है। नेक्स्ट गा लेटर है, इसका यह वत्तक्षर है। नेक्स्ट घा लेटर है, इसका यह वत्तक्षर है। अच्छा, सबसे पहले आपको वत्तक्षर कहाँ इस्तेमाल किया जाता और किस तरह कहाँ इसको पढ़ना होगा और लिखना होगा ये पहले समझ लो, उसके बाद पूरे वत्तक्षर उसके बाद समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको हम पढ़ेंगे अगा। आपको ये मालूम है ह्रस्व स्वर, ये अल्प प्राण, आप पढ़ेंगे अगा। जब आप वत्तक्षर इसका जब ये डालेंगे तो अग्गा बोलकर पढ़ना होगा, ट्रेस कर पढ़ना होगा, तस्जीद की तरह अग्गा बोलकर पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल अका है, अभी इसको वत्तक्षर डालेंगे तो अक्का बोलकर पढ़ेंगे। जब भी वत्तक्षर मतलब तस्जीद की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब ट्रेस कर पढ़ना हुआ वो लेटर को, जब इसको वत्तक्षर को इस्तेमाल करते हैं अक्का अग्गा। इस तरह कौन सा भी फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हुआ पलवा, अब हुआ पल्लवा। थोड़े वत्तक्षर थोड़े लेटर्स के वत्तक्षर सेम रहेंगे, थोड़े लेटर्स के वत्तक्षर डिफरेंट रहेंगे। जो डिफरेंट रहेंगे वो अलग बताता हूँ, लेकिन आपको वत्तक्षर कहाँ इस्तेमाल किया जाता ये समझने के लिए ये सब आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और वर्ड्स हैं, देखिए इसको हम पढ़ेंगे आडा आडा, अब इसको पढ़ेंगे अड्डा। सेम इसी तरह ये अटा है, अब इसको पढ़ेंगे अट्टा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। जब ये वत्तक्षर जब नहीं रहेगा जब किस तरह पढ़ना है, जब वत्तक्षर रहेगा तो किस तरह पढ़ना। देखिए अटा अट्टा अडा अड्डा अका अक्का पलवा पल्लवा, देखिए अगा अग्गा, इस तरह पढ़ना है। मैं समझता हूँ आपको वत्तक्षर किस तरह पढ़ना समझ में आ गया। इसलिए हम वत्तक्षर इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ ट्रेस कर पढ़ना हो वहाँ। जब हम डिक्टेट करने के वक्त में अगर कहीं भी वत्तक्षर का वर्ड बोलते हैं आपको वत्तक्षर इस्तेमाल करना है। अगर पढ़ रहे हैं अगर कहीं भी वत्तक्षर है तो उसको ट्रेस कर पढ़ना है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये वत्तक्षर समझाने के बाद दोबारा मैं थोड़े वर्ड्स लिखकर आपको समझाऊंगा, जो डिफरेंट वर्ड थोड़ा टफ वर्ड्स रहते हैं वत्तक्षर में भी। जैसा कल मैं कागुणता में समझाया को में फ़र्क क्या रहेगा, की में और के में फ़र्क क्या रहेगा, इस तरह इसमें भी वत्तक्षर में थोड़ा डाउट होगा आपको, उसको मैं आखिरी में क्लियर करता हूँ। इसलिए आपको पहले ही समझाया ताकि ये कहाँ इस्तेमाल करते आप समझे। नेक्स्ट न्या का वत्तक्षर सेम रहेगा। नेक्स्ट चा, हर लेटर का वत्तक्षर सेम रहेगा। छ, नेक्स्ट जा, नेक्स्ट झा, नेक्स्ट न्या, नेक्स्ट टा, नेक्स्ट था, ये वत्तक्षर है, वो लेटर का वत्तक्षर साइन है ये, आप समझे। नेक्स्ट डा, आपको याद रहे जो वोवेल्स के जो साइन है वो कागुणिता, कल जो मैं पढ़ाया आ से औ तक के लेटर्स के साइन को कागुणिता बोलते हैं, व्यंजना के साइन को वत्तक्षरा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ढा, नेक्स्ट ना, नेक्स्ट ता, नेक्स्ट था, नेक्स्ट दा, नेक्स्ट धा, नेक्स्ट ना, नेक्स्ट लेटर है पा,
नेक्स्ट लेटर फ, आप अल्प प्राण महाप्राण उसका भी फर्क मालूम होना है आपको, प फ ब भ, नेक्स्ट म। नेक्स्ट लेटर है या रा, नेक्स्ट लेटर है ला वा शा शा सा हा ला। अब देखिए एक लेटर की तरह दूसरा लेटर जैसा नहीं होगा, उसी तरह एक इसका साइन भी एक की तरह दूसरा नहीं होगा। आपको अच्छा मालूम रहे हर एक भी डिफरेंट है, कुछ ना कुछ फ़र्क है। देखिए बा भा में क्या फ़र्क है और पा फा में क्या फ़र्क है, दा धा में क्या फ़र्क है, कन्फ्यूज़ होता होगा आपको। ये लेटर्स देखिए जब आई सीखते हैं जब भी वही है आपको कन्फ्यूज़ होता होगा। अब देखिए ता था द ध ना, ये तीन लेटर कन्फ्यूज होते हैं, याद रहे आपको था है द है धा है, ठीक है। लेकिन यह शायद मैं समझता हूँ आपको, ये नीचे की लाइन नहीं दिखाई दे रही, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए या का वर्तक्षर इस तरह, ये नहीं दिख रहा समझता हूँ आपको, इसलिए यहाँ बाजू में लिख देता हूँ या रा ला वा शा शा सा हा ला। इस तरह वर्तक्षरा को लिखते हैं। हर एक लेटर को एक एक एग्जाम्पल का एक वर्ड देता हूँ किस तरह इस्तेमाल किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ला, देखिए ला को इस तरह वर्ड रहेंगे, अब हुआ हड़ा, अब बोलेंगे हल्ला हल्ला। और एक वर्ड है कल्ला तीफ, कड़ा हुआ अब पढ़ेंगे कल्ला। प्रोनाउंसिएशन कैसा करना समझिए, सिर्फ लिखना नहीं है पढ़ना भी बहुत अहम है। हल्ला कल्ला इस तरह, देखिए उसको देखिए किस तरह पढ़ना होगा, ठस्से ठस्से बोलकर पढ़ेंगे इसको, से है सा का वर्तक्षर है, ठस्से बोलकर पढ़ेंगे इस तरह। देखिए अल्लाह अय्या, या को या का वर्तक्षर है ऐसा। इसी तरह कौन सा भी अन्ना, अन्ना मीन्स ब्रदर, एल्डर ब्रदर अन्ना। इस तरह कौन सा भी लेटर आप इस्तेमाल वर्ड लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, अज्जा इस तरह आपको पढ़ना है, अज्जा अन्ना हल्ला अक्का ठस्से अय्या अल्लाह। इस तरह पूरे कौन सा भी लेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वर्तक्षर का मतलब तस्जीद की तरह, जैसा अरबी में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ ट्रेस कर लिखना है लिखना है तो वर्तक्षर इस्तेमाल करना, और जहाँ वर्तक्षर है तो ट्रेस करके पढ़ना है। दोनों काम भी हमारा, जब लिखना तो जहां वर्तक्षरा की जरूरत है तो वर्तक्षरा इस्तेमाल करना, अगर वर्तक्षरा है तो ट्रेस करके वहां पढ़ना होगा। थोड़ा यहां संयुक्ताक्षरगळु बोलते हैं, जो वर्तक्षरा के साथ जो वर्ड है ये वर्ड को संयुक्ताक्षरगळु बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड इस तरह रहा तो यह संयुक्ताक्षर नहीं, इसको हम लोग संयुक्ताक्षरगळु बोलते हैं। मैं समझता हूं कागुणिता वर्णमाला आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट कागुणिता समझ में आकर है, वर्तक्षरा भी समझ में आकर है। मैं नए टॉपिक को जा रहा हूँ, ग्रामर के टॉपिक को याद रहे, संयुक्ताक्षरगळु अच्छा याद रहे, इससे इसका रिलेटेड वो टॉपिक है, इस वजह से अभी पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए संयुक्ताक्षरगळु टॉपिक का नाम है संयुक्ताक्षरगळु। बहुत सारे डाउट आपको होंगे इसमें, मुझे भी मालूम है, ये जब पढ़ाऊँगा तो क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। संयुक्ताक्षरगळु, अक्षर मीन्स लेटर्स, संयुक्ताक्षरगळु, संयुक्ताक्षर का मतलब जो वर्ड वर्तक्षर, जो वर्ड में वर्तक्षर है वो वर्ड को संयुक्ताक्षर बोलते हैं। आपको अच्छा मालूम रहे, सिर्फ एक वर्ड को वर्तक्षर बोलकर नहीं बोलते, एक लेटर को वर्तक्षर नहीं बोलते, जो वर्ड में वर्तक्षर है उसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। आप अच्छा समझिए, अगर इसमें वर्तक्षर नहीं है तो संयुक्ताक्षर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कन्नड़ा ये संयुक्ताक्षर, क्योंकि ना को ना का वर्तक्षर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए
राजा बोलकर लिखेंगे, ये वत्तक्षरा नहीं है, ये वत्तक्षरा नहीं है। अन्ना ये वत्तक्षरा है, क्योंकि जिसमें वत्तक्षरा रहेगा वो संयुक्ताक्षरा। संयुक्ताक्षरा का मतलब जो वर्ड में वत्तक्षरा है उसको संयुक्ताक्षरा बोलेंगे, जिसमें वत्तक्षरा नहीं है उसमें संयुक्ताक्षरा नहीं बोलेंगे। संयुक्ताक्षरा मतलब समझ में आ गए आपको, पढ़ने आए या ना आए देखेंगे, जिसमें वत्तक्षरा है जो वर्ड में है उसको संयुक्ताक्षरा बोलेंगे, ठीक है। संयुक्ताक्षरा के दो किस्में हैं, एक सजातीय संयुक्ताक्षरा, सजातीय संयुक्ताक्षरा, एक है सजातीय संयुक्ताक्षरा, दूसरा है विजातीय संयुक्ताक्षरा, विजातीय संयुक्ताक्षरा, एक है सजातीय संयुक्ताक्षरा, दूसरा विजातीय संयुक्ताक्षरा। संयुक्ताक्षरा के दो किस्में हैं, एक है सजातीय संयुक्ताक्षरा, दूसरा विजातीय संयुक्ताक्षरा। आपको मालूम रहे संयुक्ताक्षरा का मतलब जो वर्ड में वत्तक्षरा है उसको संयुक्ताक्षरा बोलेंगे, जिस उसमें दो किस्में हैं, एक सजातीय संयुक्ताक्षरा, विजातीय संयुक्ताक्षरा। आप बहुत जगह देखते होंगे एक तो वत्तक्षरा के वर्ड्स रहे, कभी कभी ऐसा होता, देखो कन्नड़ा है, ना को ना का वत्तक्षरा है तो ये सजातीय, वो लेटर को सेम वत्तक्षरा रहा तो वो सजातीय। कौन से भी लेटर, फॉर एग्जांपल आपदा बोलते हैं, आपदा, आपता बोलते हैं, आपता, देखिए पा को ता का वत्तक्षरा है, पा को ता का वत्तक्षरा। अच्छा और एक बात आपको समझाना था, मैं हर एक लेटर का सेम वत्तक्षरा रहेगा, थोड़े ऐसे लेटर हैं उसका वत्तक्षरा डिफरेंट है, उसको सर्कल कर देता हूँ, देख लीजिए, ता है, ना है, सिक्स लेटर्स हैं, मा है, या है, रा है, ला है, सिक्स लेटर्स हैं जिसका वत्तक्षरा डिफरेंट है। आपको मालूम रहे सबका सेम है, जैसा लेटर रहेगा उसी तरह रहेगा, लेकिन सिर्फ सिक्स लेटर्स ऐसे हैं जिसका वत्तक्षरा डिफरेंट है। ना का वत्तक्षरा डिफरेंट है, आप ऐसा नहीं डालना, ना को अगर इस तरह डालेंगे तो वो सा का वत्तक्षरा होगा, देखिए ना का वत्तक्षरा डिफरेंट है, इस तरह लिखेंगे, देखिए कन्नड़ा इस तरह, ठीक है। ता, ना, मा, या, रा, ला, ओके, आपको मालूम रहे ये छः लेटर के वत्तक्षरा डिफरेंट है। देखिए ये वर्ड है कल्ला, ला को ला का वत्तक्षरा है तो ये सजातीय संयुक्ताक्षरा। थोड़े वर्ड लिख देता हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा, सजातीय किसको बोलते हैं और विजातीय संयुक्ताक्षरा किसको बोलते हैं। सजातीय संयुक्ताक्षरा, विजातीय, आपता, यहाँ कन्नड़ा, देखो सजातीय संयुक्ताक्षरा है, अप्पा, अन्ना, कन्नो, ये पूरे सजातीय संयुक्ताक्षरा। याद रहे आपको SLC एग्जाम में भी पूछेगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम SDFDA में भी पूछेगा। संयुक्ताक्षरा, सजातीय संयुक्ताक्षरा और विजातीय संयुक्ताक्षरा दो किस्में, बराबर आप समझे। सजातीय संयुक्ताक्षरा मतलब जो लेटर सेम उत्तक्षरा रहता उसको सजातीय संयुक्ताक्षरा बोलते। विजातीय संयुक्ताक्षरा, आपता, एक किताब का नाम है कन्नड़ा में तपदंडा, ये भी विजातीय संयुक्ताक्षरा। मित्र, देखिए ता को रा का वत्तक्षरा है, ता को रा का, देखिए रा का वत्तक्षरा इस तरह आएगा, आप इस तरह नहीं लिखना, रा का वत्तक्षरा डिफरेंट वत्तक्षरा कौन से ऑलरेडी समझा कर हूँ। मित्र ता को रा का वत्तक्षरा है। नेक्स्ट तन्ना, ये सजातीय संयुक्ताक्षरा, और उसके बाद कल्ला, ये भी सजातीय संयुक्ताक्षरा, इत्यादि, इत्यादि मीन्स एक्सेट्रा, इत्यादि, ये इत्यादि जो वर्ड है ये विजातीय संयुक्ताक्षरा, या मैं इसलिए इत्यादि मीन्स एक्सेट्रा, आप समझे, वो इत्यादि वर्ड विजातीय संयुक्ताक्षर, लेकिन इत्यादि का माना एक्सेट्रा बोलकर। आप ऐसा नहीं सोचना यहाँ सेम लेटर को सेम उत्तक्षरा है लेकिन ता को या का उत्तक्षरा है, सर सजातीय संयुक्ताक्षरा में लिखे बोलकर नहीं समझना, इत्यादि का मतलब एक्सेट्रा बोलकर। यहाँ आपता, तपदंडा, मित्र और उसके अलावा और हैं त्रिविक्रमा, देखिए इसको भी का को मा का वत्तक्षरा का वत्तक्षरा है और अगेन ता को रा का वत्तक्षरा, इत्यादि, इत्यादि मीन्स एक्सेट्रा। आप क्लीन से समझिए,
वत्तक्षरा का प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में, वत्तक्षरा किस तरह प्रोनाउंस करना और किस तरह लिखना आपको समझ में आ गया समझता हूँ। वत्तक्षरा में वत्तक्षरा को संयुक्ताक्षरा बोलते हैं। संयुक्ताक्षरा के दो किस्में, सजातीय संयुक्ताक्षरा मत्तु विजातीय संयुक्ताक्षरा। सजातीय संयुक्ताक्षरा विजातीय एसएलसी एग्जाम में आएगा, अलर्ट रहे, समझे कॉन्सेप्ट को। सजातीय संयुक्ताक्षरा मत्तु विजातीय संयुक्ताक्षरा। सजातीय संयुक्ताक्षरा का मतलब यह है जो लेटर सेम वत्तक्षरा है वो सजातीय। और एक आपको डाउट रहेगा, सर ये कौन सा अक्षरा सजाति की विजाति, क्योंकि ताकु ताका वत्तक्षरा है सजाति, लेकिन काकु शाका है ना, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ना तो ये सजाति ना तो ये विजाति, खाली सिर्फ संयुक्ताक्षरा। ओके, ये सजाति और विजाति दोनों मिक्स्ड, और एक जाति का भी नाम नहीं है उसको, बस संयुक्ताक्षरा बोलते हैं इसको। ये सजाति भी नहीं है, विजाति भी नहीं है, ठीक है। ये वर्ड्स पूरे सजातीय संयुक्ताक्षरा है, ये वर्ड्स पूरे विजातीय संयुक्ताक्षरा है। आपकी जिम्मेदारी ये है आज का डेट डालना, लिखना वत्तक्षर गोलो बोलकर हेडिंग, पूरे वत्तक्षरा लिखना है, और सेम लेटर लेटर जो है सेम उसका वत्तक्षर रहता है उसको अलग लिस्ट बनाना, डिफरेंट वत्तक्षरा रहता। फॉर एग्जाम्पल छः लेटर्स जो मैं बताया, ता है, रा है, ना है, मा है, या है, इस तरह ला, ये छः लेटर्स को अलग लिखना है आपको, क्यों बोला डिफरेंट साइन है, इसको आप समझे। उसके बाद हेडिंग लिखना है संयुक्ताक्षरगळु, उसके बाद लिखना है सजातीय संयुक्ताक्षरा, सजातीय संयुक्ताक्षरा के एग्जाम्पल सीखना है, उसके बाद विजातीय संयुक्ताक्षरा, विजातीय संयुक्ताक्षरा के एग्जाम्पल सीखना है, उसके बाद आप भी थोड़े प्रैक्टिस करना है। कन्नड़ा टेक्स्ट बुक का पहला लेसन लेकर उसमें कौन से, नाइन्थ का भी लेसन हो, कहाँ भी हो, कौन सा भी हो, कन्नड़ा सिर्फ टेंथ के टेक्स्ट बुक में संयुक्ताक्षरा नहीं है, कन्नड़ा जहाँ भी है वहाँ सब संयुक्ताक्षरा रहे। आपके पास कौन सी भी कन्नड़ा बुक हो उसमें से संयुक्ताक्षरा उठाकर लिखना है एग्जांपल्स, सजातीय संयुक्ताक्षरा कौन से, विजातीय संयुक्ताक्षरा कौन से। जब आप आज का डेट डालकर जो लिखेंगे सजातीय विजातीय, उसके बाद ये मैं लिखा हुआ एग्जांपल है, आप दूसरे डिफरेंट एग्जांपल्स लिखना होगा। मैं समझता हूं आप कन्नड़ा वर्णमाला कंप्लीट सीख चुके हैं, उसके साथ कागुणित, उसके बाद वत्तक्षरा, ये पहला टॉपिक है ग्रामर का। ग्रामर को कन्नड़ा में बोलते हैं व्याकरण, याद रखे, ग्रामर को कन्नड़ा में बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर, व्याकरण। व्याकरण का सबसे अहम टॉपिक संयुक्ताक्षर और सबसे अहम टॉपिक कन्नड़ा वर्णमाले भी है। मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर आपको मजबूत हो, पढ़ना लिखना आपको आसान हो, समझ में आ रही बात। तो व्याकरण बोलकर हेडिंग लिखना, पहला टॉपिक वो संयुक्ताक्षर है। नेक्स्ट टॉपिक हैंड राइटिंग पर बात करूँगा, हैंड राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह लिखना चाहिए, किस तरह लिखेंगे तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव होंगे बोलकर कैसन अकेडमी कन्नड़ा फिफ्थ क्लास है ये। मैं समझता हूँ ये कन्नड़ा क्लास से आपको फ़ायदा होकर है, बाकायदा प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीख नहीं सकेंगे कन्नड़ा, नेक्स्ट क्लास में हैंड राइटिंग के ताल्लुक से होगी। बेहतर है आप एक हाफ पेज लिखकर रेडी रहकर वीडियो देखिए, आपके क्या क्या गलतियाँ हैं समझ में आ जाते हैं। मैं खुद बोलता हूँ कब कब हैंड राइटिंग बिगड़ते हैं, ख़राब होते हैं बोलकर, नेक्स्ट क्लास में हैंड राइटिंग किस तरह इंप्रूव करना बोलकर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। हैंड राइटिंग खूबसूरत होना तो किस तरह लिखना बोलकर, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है। कन्नड़ा धीरे धीरे सीखते जाइए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, जजाकल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।